इतना भयंकर धूप है, अगर यही धूप रहा तो हम लोग का तो सनटैन भयंकर वाला होगा। लेकिन मैं तीन कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है संडे, सो हैप्पी संडे। एंड आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ 7:30 में, बहुत लेट हो जा रहा है। डेली के डेली बहुत लेट करके मैं उठ रही हूँ। पूरा छुट्टी का जो फ़ायदा होता है ना वो उठा रही हूँ। पर कल से तो स्कूल स्टार्ट है तो हम लोग को तो फिर 4 बजे उठना हो जाएगा। तो आज है संडे और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। और जो प्रोग्राम हम लोग का सैटरडे का बना था ना वो कैंसिल होके संडे को हो गया। तो कल तो मैं नहीं गई थी, आपको मैं बताई थी अपने ब्लॉग में, बट आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। और वाटर पार्क जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ और आरू है, क्योंकि जल्दी मैं एक्साइटेड नहीं होती कहीं जाने के लिए। हाँ, मुझे बहुत ये लगता है कि अरे जाना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नाश्ता जल्दी बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मतलब वो सब चीज़ क्यों, मतलब मैं ज़्यादा ये करती हूँ, वैल्यू करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, उसके कारण मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ बन गए पनीर भुर्जी, यहाँ मैं भिंडी का भुजिया बना के रख चुकी हूँ। बस रोटी बनाऊँगी और मैं मतलब क्या कहते हैं 10 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है। तो अभी बज रहा है 9, हम लोग सब कुछ फ्रेश हो गए हैं, बस नहाए नहीं है। तो हम लोग सोच रहे नहीं नहाए क्योंकि थोड़ा मौसम है ना क्लाउडी क्लाउडी किया हुआ है, तो दो दो बार नहाना सही नहीं रहेगा। और ऐसे भी वाटर पार्क में वाटर में आपको चार पाँच घंटे रहना है, तो मैं ऐसा सोची कि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, किससे नहाया जाए, जो बाहर जाके नहाना ही है। और ये भी बोले कि हाँ छोड़ दो, आरू को भी मत नहाना क्योंकि वहाँ काफ़ी देर पानी में रहेगी, तो मैं नहीं नहाऊंगी, आरू भी नहीं नहाएगी, ये भी नहीं नहाएंगी। बस हम लोग नाश्ता करेंगे, फटाफट से निकलेंगे। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह का नाम है उरमांझी, जो रांची से ऑलमोस्ट मतलब पास में ही है। तो यहाँ से उसको जाने में लग जाता है, यहाँ से है वो 35 किलोमीटर, तो 1 घंटा लग जाएगा। एंड वाटर पार्क खुलता है 11 बजे से और हम लोग निकलेंगे 10 बजे। और हम लोग के साथ जा रही हैं हमारी एक पड़ोसी जो थोड़े से मतलब 3-4 घर के बाद रहती है, तो उनके साथ जा रहे हैं और वो भी बहुत एक्साइटेड जाने के लिए। और वहाँ बस प्रॉब्लम ये होता है ना कि फ़ोन में पानी नहीं चला जाए, इसलिए थोड़ा डर लगता है। बट मैं पिछले बार गया में गई थी वाटर पार्क, तो वहाँ से मैं खरीदी थी 80 रुपीज़ का मोबाइल होल्डर जो पानी में ही रखा जाता है, तो मैं उसको ज़रूर लेके जाऊंगी। वो मैं रखी हुई हूँ, आज मेरा काम आ गया, मैं देखती हूँ भी है भी या नहीं, क्योंकि पूरे एक साल हो गया, क्योंकि पिछले साल गर्मी में ही अप्रैल में ही मैं शादी में गई थी, तो उधर से वाटर पार्क गई। ये मग इसमें है क्यों मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे का रीज़न, ये इधर इसलिए मैं छुपा के रखती हूँ कि अनूप सारा मग निकाल देते हैं। ये मेरा है, ये है देखिए मोबाइल होल्डर, ये ऐसे मोड़ के मैं रखी हूँ इसलिए ऐसे हो गया है। ये देखिए ये वाटर प्रूफ है, आप इसको लेके वाटर पार्क में आप आराम से जा सकते हैं, शूट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ लेके ले सकते हैं। बट थोड़ा सा पिछले बार ही मुझे डर लग रहा था कहीं ना ये ख़राब हो जाए, अंदर में भी चला जाए पानी, बट नहीं गया था, बहुत लोग होल्ड कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी सारा कुछ शूट करने का, और वहाँ बहुत म्यूज़िक चलता है तो मैं उसमें वॉइस ओवर करूँगी। तो जाते हैं, फटाफट से नाश्ता बनाऊँगी और फटाफट से खा के हम लोग निकल जाएंगे। अभी टाइम हुआ है बहुत ज़्यादा, नहीं 9:15 हुआ होगा, ये देखिए 9:15 हो रहा है। तो हम लोग का चाय पानी हो गया है और अब हम लोग बस मैं नाश्ता बनाऊंगी, सबको दूंगी और निकल पड़ेंगे। और थोड़ा सा ना फोल्ड करके तो मैं ध्यान नहीं रहता है। तो अभी बन रहा है पनीर भुर्जी, भिंडी का भुजिया और रोटी, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नाश्ता हो रहा है, इधर अनूप नाश्ता कर रहे हैं और आरू कर चुकी है, मेरा नाश्ता है, मेरा चाय है, भिंडी का भुजिया है और पनीर भुर्जी को ना मैं भर दी आटा में और पराठा बना दी। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसे साथ में खाने के लिए बना था, बट मैं सोची कि चलो भर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, सूखा सूखा नहीं लगेगा। तो हम लोग खा लेते हैं पहले, फोन तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। हाँ, एक दो बार दांत दिखाएंगे, अपना मुँह दिखाएंगे। आपको चाहिए उठिए, फटाफट बैग में डाल के, बैग में मैं सब बैग डलाया हुआ है, कुछ पानी पानी एक बोतल पानी रख लीजिए ना। मैं नहीं पानी नहीं रखूं, नहीं मम्मा ये जब हम स्कूल जाएंगे तो मान लिया होगा उसको क्या कमजोर, ये प्लास्टिक यूज करनी पड़ेगा, रबर बैंड खुलेगा ना। सो
फ्रेंड्स, हम लोग सब कोई रेडी हो गए हैं एकदम। सब लोग, आरू भी रेडी है, अनूप भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। थोड़ा ज्यादा मेकअप हो गया, बट पानी में जाना फिर भी कर ली, तो हम लोग रेडी है। वी आर रेडी। अरु, चलो हम लोग रेडी हैं। और मुझे पता था कि पानी में उतरना है, पर पानी में हो या नदी में हो, हम लोग मेकअप कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे वीडियो में डालना होता है ना, इसलिए ऐसे चेहरा अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं आप मुझे गोबर फेस तो देख ही लेते हैं, बट अभी रख ले चश्मा। अच्छा ठीक है, रख लेते हैं। पानी में ही तुमको यूज़ करना है चश्मा? ठीक है, ले लेते हैं आरू, ले लेते हैं आरू को गॉगल्स, ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बाहर इतना भयंकर धूप है, अगर यही धूप रहा तो हम लोग तो सन टैन भयंकर वाला होगा। लेकिन मैं तीनों को लगा दी हूँ सनस्क्रीन, अनूप को भी, खुद भी और आरू को भी, क्योंकि पिछले बार बीच पे मैं नहीं लगाई थी तो भूल गई थी, तो मेरे का पूरा सन टैन हो गया था स्किन पे, पूरा ज़्यादा ब्लैक हो गई थी बिल्कुल। बट आज एकदम अच्छे से लगा ली हूँ। और ये ड्रेस चेंज करना था, इसलिए कुछ भी ज़्यादा ही पहनी, क्योंकि वहाँ जाके तो वहाँ का ड्रेस पहनना होता है। आरू, 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 खुश हो? संडे को तुम्हारा फंडे बनाने वाले हैं। मजा आएगा, खूब पानी में नहाएगी ना। चलो चलिए ना, आने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं उरमान जी का जो वाटर पार्क है, उसका नाम है तरंग वाटर पार्क। और धूप तो इतना भयंकर था कि मैं क्या बताऊँ, बट हम लोग का जो एनर्जी लेवल और जो जोश था एकदम 100% हाई था। और यहाँ देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे टिकट का काउंटर भी है, आपको दिख रहा होगा, तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। तो बस हम लोग जाएंगे और टिकट कटवाएंगे, देखते बच्चे का कितना लगता है, क्योंकि मेरी बेटी 4 फीट से नीचे की है तो उसका 250 था, और जो 4 फीट के ऊपर का है उसको 500 पूरा पे करना होगा। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग टिकट कटवाएंगे। तो बस हम लोग अपना अपना कपड़ा चेंज कर लिए हैं, और ये नायलून का कपड़ा रहता है जो बहुत ही ज़्यादा फिसलता है, इसलिए ये दिया जाता है, आप अपना घर का ड्रेस नहीं पहन सकते। तो हम लोग बस रेडी हो गए और निकल गए अपना मस्ती करने के लिए। और मेरी आरू तो सुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि ये पहले भी गई है, इसको पता है कि कितना मज़ा आता है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैं इसको देख रही थी कहीं चोट वोट नहीं लग जाए। तो मैं जहाँ जा रही थी उसको साथ में लेके जा रही थी, और मेरे साथ जो मेरी भाभी थी ना एक, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट धीरे धीरे उनको भी मैं कर रही कि नहीं डरिए, नहीं डरिए, आए हैं तो घूमते हैं, मज़ा करते हैं। तो यहाँ हम लोग उतर गए थे।
वीडियो ले लिया, ठीक है। चलिए बच्चे लोग आ रहे, बच्चों लोगों को पकड़ना होगा, आइए पकड़िएगा, दोनों बच्चों को आ जाओ, आ जाओ। पूरा वाटर पार्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वेव के जस्ट सामने है, यहाँ पे है जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं उन लोग के लिए है, और बड़े भी जा सकते हैं। मेन जो वहाँ पे देख रहे हैं आप वाइट वाला, वहाँ से एंट्रेंस था, और यहाँ पूल है, सारा कुछ है। रांची में पता नहीं कैसा है, रांची में भी वाटर पार्क है बट मैं वहाँ गई नहीं हूँ, मैं गया में गई थी और यहाँ आई हूँ उरबांझी वाला। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लायक था एकदम, क्योंकि मैं ज़्यादा स्लाइड वगैरह करती नहीं हूँ, जो बड़ा बड़ा होता है डर लगता है, तो मुझे जो जो करना था वो मैं करी थी। एंड यहाँ से सामने आपको वेव मिल जाता है, वेव में हम लोग दो दो बार एंजॉय किए, और अनूप को तो क्या बताऊँ, उनको तो निकलने का ही मन नहीं करता। आप तो पूरी वाले व्लॉग में भी देखे होंगे कि ये कितना पानी में उछल उछल के नहा रहे थे। और हम लोग एक बार वेव में जा चुके थे, एक बार और जाने वाले थे। अनाउंस करता है कि जिसको जिसको वेव में आना है आ जाइए, 5 मिनट में स्टार्ट होगा। और ये देखिए सब बड़ा वाला है स्लाइडर, मैं इस पर नहीं करी थी। और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए, खाना खाएँ, और स्टार्टर अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं, और मेन कोर्स हम लोग अभी सोच रहे क्या खाना है। फ्रेंड्स, हम लोग घूम के आ गए हैं वाटर पार्क से, और मतलब हम लोग निकले थे, हम लोग कितने बजे निकले थे, 4 बजे, 3:30 में निकले थे, बट 7:30 हम लोग 3:30 में निकले थे। थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद हम लोग 3:30 निकले। हम रास्ते में रामगढ़ के रास्ते में ना हम लोग खाना भी खाएँ, और हम लोग को इतना ज़्यादा भूख लगा हुआ था कि मैं भूल गई कि हम मुझे सूट भी करना चाहिए। मैं खाने का बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं जो स्टार्टर आया था उसका थोड़ा बहुत करी थी, बट उसके बाद एकदम मेरा दिमाग से निकल गया कि हाँ मुझे खाना खा रही हूँ, थोड़ा बहुत उसका भी लेना चाहिए था। बट हम लोग बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, इसलिए ये मेरा यहाँ नेक तक पहुँचा हुआ, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक्स ला के दो, थोड़ा डाइजेस्ट होगा। हुआ था क्या कि नाश्ता करके निकले थे, और काफ़ी टाइम 10:30 में हम लोग निकले थे, नाश्ता 10 बजे कर रहे थे, उसके बाद हम लोग 4 बजे तक ऐसे ही रहे, 4:30 तक, 5 बजे हम लोग होटल पहुँचे थे। और रामगढ़ का बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है सैनी रेस्टोरेंट, तो वहाँ हम लोग खाना खाएं जम के, एकदम बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किए थे, खाना खाएं, एकदम मस्त खाना खिलाया था, और हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग सब फिर वहीं पे हम लोग आइसक्रीम खाए, बच्चे लोग आइसक्रीम खाए, मैं तो चाय पी थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि बहुत देर पानी ही रहे थे, धूप ऊपर से भी लग रहा था, तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय करे हम लोग, बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। अरु तुम तो अभी और जाने का मन कर रहा है, मुझे तो वाटर पार्क में जाने का अभी और मन कर रहा है। अभी चलोगी रात में? हाँ चलो। क्या बेटा तुम कुछ भी बोल रही हो, हाँ चलो, इतना रात में बंद हो जाता है वाटर पार्क, कल चलेंगे ना, सुन रहे, स्कूल कौन जाएगा, कल भी इसको जाना है, तो स्कूल कौन जाएगा बेटा, पापा को भेज देते हैं, नहीं पापा को मत भेजो, वाटर पार्क का जो अंकल रहता है ना उनको भेज दो।
और आपको मजा आया? हमको तो बहुत मजा आया। अच्छा खाना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था। सब लोग हम लोग डकार मार रहे हैं क्योंकि हम लोग का नेक तक पहुंचा। लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ जल्दी से क्योंकि हम लोग सबको डकार मार रहे हैं क्योंकि हम लोग तो हम लोग बहुत मजा किए। मत कीजिए एसी स्टार्ट, आप जा रहे हैं ना, हमको ठंडा लग रहा है, पानी से निकले हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है। तो हम लोग बहुत बहुत थक गए हैं, पानी में थे तो पता नहीं चला, बट जैसे ही पानी से निकले तो हम लोग का पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। नहीं यार अभी एसी स्टार्ट करो, पर 27 पे चलाओगे, चलाओ। तो हम लोग को ना पेन होने लगा पूरे बॉडी में, फुल बॉडी पेन। और हम लोग के साथ जो गई थी उनको भी दर्द हो रहा था, तो मेरे से थोड़े सी बड़ी हैं वो, तो उनको भी ज़्यादा ही हो रहा था, उनके दो बच्चे हैं तो ज़्यादा ये लग रहा था उनको। बट हम लोग खूब 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 इंजॉय किए, इतना मज़ा किए, इतना मज़ा किए कि एकदम दिल, मतलब संडे कैसे बीत गया हम पता नहीं चला। और वहाँ बहुत सारा था स्लाइड करने वाला वेव, आरू कम करो बेटा। तो उस वो सब मैं ना शूट करी हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं तो डाल दी थी, आप लोग देख ही होंगे। बट कुछ देर के बाद हम लोग ना फ़ोन को रख दिए थे क्योंकि डर लग रहा था मुझे पानी में, अगर एक बार गिर गया जो थोड़ा बहुत मैं वीडियो क्लिप ली हूँ वो सारा चला जाएगा, साथ ही साथ फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। तो ये बोले कि चलो अब इन्जॉय करना है तो फ़ोन को साइड में रखो और पानी में कूद पड़ो। तो मैं थोड़ा 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 सब कुछ ली हूँ, और खाने के समय नहीं ले पाई क्योंकि खाने समय तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अरुण फ़ोन पापा मांग ले, फ़ोन दो, और छोटा वाला स्प्राइट का बोतल लेगा, बड़ा वाला नहीं लेगा, ठीक है? ठीक है ना, छोटा वाला, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग बहुत मस्ती किए, मस्ता कर रहे हैं। तो आज हम लोग खाना में बहुत चीज़ ऑर्डर कर दिए थे, नान, फ्राइड राइस, चिकन चिल्ली, चिकन दो प्याज़ा, एंड और क्या था बेटा, पनीर रोटी, पनीर था, मोमोज था, और क्या था बेटा, चिकन तो मैं बोल चुकी, चिकन था, बहुत सारा चीज़ था, और फ्राइड राइस। हाँ वो सब बता दिए कि ये सारा चीज़ था, बहुत सारा आ गया था क्वांटिटी में, पर सब कुछ फिनिश हो गया था, सैलेड था, तो ये सब मतलब प्रॉपर खाना खा के आइसक्रीम लोग आइसक्रीम भी खाए थे, चाय भी पिए थे कुल्हड़ वाली। बट क्या होता था ना, हम लोग को यही था कि हम लोग शाम में 5:30 में खा रहे तो अच्छे से खा लेंगे, फिर घर पे जाके बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। और ऐसे भी अब मेरा मतलब यहाँ तक भरा हुआ तो कहाँ से खाएंगे, हो सकता है अनूप पियेंगे दूध तो उनको मैं दूंगी, बट मैं उनको भी नहीं दूंगी क्योंकि वो चिकन खाए हैं। तो मेरा यहाँ तक आ गया है। तो इस व्लॉग को मैं ये एंड करूँगी, और आप लोग गर्मी में ज़रूर जाइए वाटर पार्क, बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और भी मौसम गर्म हो जाएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी अप्रैल का लास्ट है तो थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लास्ट में आ ही गया। बट हम लोग जब गाड़ी में बैठ गए तब आया, जो बाकी बाद में गए होंगे ना उनको बारिश फेस करना पड़ा होगा। तो ठीक है, अब इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं शूट कर ही नहीं थी, जितना करी थी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलती हूँ किसी वीडियो से, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।